नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आपका योग सीरीज में स्वागत है। प्यारे बच्चे, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, भैया जी सिटिंग अरेंजमेंट लेके आओ, बैठक व्यवस्था में हमें दिक्कत होती है, सर्कल में कैसे बिठाएं। एसएससी जितने भी एग्जाम कराती है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, सीपीओ हो, जीडी हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, या कोई और भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो, प्यारे बच्चे सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन जरूर बनता है। आज मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से इस डाउट को भी खत्म कर दूंगा कि सिटिंग अरेंजमेंट में एक बार में ही सटीक डायग्राम बनता है। बहुत सारे लोग एक बार में नहीं बना पाते, तीन तीन चार चार बार बनाते हैं, जिससे हमारा समय बिगड़ता है। हम एक बार में कैसे बनाएंगे सटीक डायग्राम, मैंने थंबनेल पे लिखवाया भी है कि एक ही बार में बनाएं सटीक डायग्राम। तुम दोनों सीखना चाहोगे? ठीक है, तुम दोनों को सीखेंगे और ये सभी प्यारे बहन भाई सीखेंगे। और आज के बाद सिटिंग अरेंजमेंट, जिसे आज तक शायद आप स्किप करके आगे बढ़ जाते हो, आज आपका इसमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इतना विश्वास आप मुझ पर कर सकते हो और करते भी होगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस सवाल में जैसे व्यक्ति बैठे हैं, मानकर चलो कि हमें एक सर्कल दिया है, ठीक है, हमें एक सर्कल दिया इसने और हमसे कहा कि सर्कल में आठ आदमी बैठे, तो हम कैसे बिठाते हैं आठ आदमी? ये दो, ये चार, ये छह और ये आठ। जब मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा था तो ये प्रिंस मुझसे कह रहा था कि भैया जी, इसमें सबसे बड़ी समस्या हमें लेफ्ट राइट में होती है। साथ के साथ पुलकित ने भी कहा कि हाँ 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 हाँ, ये तो है। तो लेफ्ट राइट की समस्या वाकई में बहुत सारे बच्चों को होती है। अगर आप दाएं बाएं में घूम गए, एक बार भी दाएं की जगह बाएं घूम गए, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। प्यारे बच्चे, मैं आपको सबसे पहले यह बताता हूं कि आप कभी राइट लेफ्ट में दिक्कत मत करना। जैसे आठ आदमी बोले तो सबसे पहले से डायग्राम बनाना। अब अगर यह कह रहा है कि इन व्यक्तियों का मुंह केंद्र की ओर है, तो यह बताओ इनका केंद्र कहां है? आप जानते हो ना कि इनका केंद्र यह है, सेंटर ही तो होता है, तो यही तो केंद्र है। अब एक बात बताओ, अगर ये केंद्र है तो इनमें ऐसा कौन सा आदमी है जो बिल्कुल सामने देख रहा है? पेपर में हम भी सामने देख रहे हैं, पेपर में वो बंदा भी सामने देख रहा है, तो ये नीचे वाला बंदा ऐसे देखेगा केंद्र की ओर की नहीं, सामने, और पेपर में हम भी सामने देख रहे हैं। तो ये बताओ, जब मेरा मुंह भी सामने है, इसका मुंह भी सामने है, तो हमारा राइट दोनों का यही तो होगा, तो यानी इस बंदे का राइट ये होगा कि नहीं होगा? ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चे, जैसे इसका राइट ये हो गया, अब हम राइट साइड को यानी आगे बढ़ जाएंगे और एक एक पॉइंट को छोड़कर एक एक पॉइंट पर बिंदु रखते हुए चले जाएंगे। जैसे आगे बढ़ेंगे तो इस पॉइंट को छोड़ दो, यहां बिंदु रख दो, ठीक है, फिर इस पॉइंट को छोड़ दो, यहां बिंदु रख दो, फिर इस पॉइंट को छोड़ दो, यहां बिंदु रख दो, फिर इस पॉइंट को छोड़ दो, बिंदु रख दो, 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 और ये पॉइंट भी छूट गया। बेटा, जितने भी बिंदु रखे हुए हैं, आपको जितने भी बिंदु दिखाई दे रहे हैं प्यारे बच्चे, यकीन मानो वो सब राइट हैं, और जो बिंदु नहीं है वो लेफ्ट हैं। आपसे कहता है राइट जाना है तो बिंदु की तरफ चले जाओ किसी भी कुर्सी से, और लेफ्ट जाना है तो बिंदु के अपोजिट चले जाओ, खत्म कहानी, राइट लेफ्ट में कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो, जैसे क्वेश्चन है, मानकर चलो कि यह क्वेश्चन है, खूब अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। जैसे सवाल ने कहा कि इस सवाल में कितने आदमी बैठे, एक बार पढ़ के देखो, सवाल के अंदर बैठे हुए हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हुए हैं। वृत्त के गिर्द का मतलब है चारों ओर बैठे हुए हैं। कितने आदमी है? आठ। तो मैंने कहा कि एक सर्कल बना देंगे मेरे शेर, यह हमारा सर्कल हो गया, आठ आदमी बैठे हैं, देख लियो ध्यान से कैसे बनाते हैं। मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि तीन तीन चार चार बार आदमी डायग्राम को गलत क्यों कर देता है। ये ऐसे बनेंगे आठ आदमी, अभी सिखाया था, केंद्र की ओर देख रहे हैं, ये इनका केंद्र होगा, तो इस वाला बंदा ये ऐसे ही तो देखेगा सामने, तो इसका राइट इधर होगा, तो इसका राइट या बिंदु, पॉइंट छोड़ो 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 बिंदु, यही तो सिखाया था मैंने तुम्हें। बोलो, मैंने तुम्हें यही तो सिखाया था आज की क्लास में। अब ध्यान से समझना नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है मेरे शेर। यहां से जैसे इसने पहला स्टेप बोला, ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं, थोड़ा पीछे होके दिखाओ, कह रहा है ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं। अगर किसी बंदे ने क्वेश्चन को यहां से शुरू किया तो वो डायग्राम को निश्चित रूप से शुरुआत में ही गलत कर लेगा, ऐसे समझो।
क्वेश्चन को हमेशा ध्यान रखना प्रिंसिपल के, तुम दोनों और तुम सब भी हमेशा क्वेश्चन को वहां से उठाना है जहां से क्वेश्चन में दायां या बायां बोला जाए, राइट और लेफ्ट के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन उठाना है, ठीक है। तो जैसे इसने बोला ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं, इस लाइन को छोड़ दो, बाद में देखेंगे, मौके आने पर चौके लगाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि डी सी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठता है, ध्यान से समझो इसे, ये लाइन कुछ कह रही है, दाएं का प्रयोग हुआ, तुरंत माइंड में यहां पर एक चीज आई कि यार वो पॉइंट है ये जहां से मैं इस क्वेश्चन को करता हूं। क्वेश्चन कह रहा है डी सी के दाएं तीसरे स्थान पर है, सी के दाएं तो पहले सी आना चाहिए, पहले सी को बिठा दो, सही है। सवाल ने कहा डी सी के दाएं तीसरे स्थान पर है तो सी के दाएं पहला, दाया इधर बिंदु की तरफ जाऊंगा, सी के दाएं पहला दूसरा तीसरा, यहां कौन आ गया मेरे सिर, डी, खुद बोला इसने डी सी के दाएं तीसरे पर है तो सी के दाएं एक दो तीन मैंने डी बिठा दिया, कोई दिक्कत परेशानी ना। सवाल कह रहा है एफ एच के बाएं दूसरे स्थान पर बैठता है, अब इस लाइन को भी स्किप कर दो, तुम कहोगे भैया स्किप क्यों कर रहे हो, तुम्हें कैसे पता ये लाइन स्किप करनी है, किस लिए पता है कि एफ एच के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, एफ और एच में से तो अभी कोई आया ही नहीं है, और जब एफ और एच में से कोई आया ही नहीं है तो मैं फिर इस पॉइंट को क्यों उठाऊं, इसे यहां से छोड़ दो, मौके पे चौके लगाएंगे। सवाल कह रहा है कि सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, इस लाइन का अर्थ समझो, इसने बोला कि सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं है, यानी कहने का मतलब है सी कभी भी ए के पड़ोस में नहीं बैठेगा, सी कभी भी ए का पड़ोसी नहीं होगा, इस बात का मतलब यही है कि सी कभी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठेगा, मतलब सी ए का पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब सी है, सी ए का पड़ोसी नहीं है तो सी ए के अगले स्थान पर नहीं है, ना तो इधर ना इधर, तो यहां ऐसे कर दो अंदर क्रॉस मार के कि ए भाई साहब आप यहां नहीं आ सकते, और ए भाई साहब यहां भी नहीं आ सकते, पड़ोस तो इधर भी और इधर भी है, तो ए यहां भी नहीं आ सकता, और क्रॉस मार कहो ए भाई साहब आप यहां भी मत बैठना। बात यहां तक बराबर है, समझ में आ रही है, सबको आ रही है, आगे समझो। कह रहा है जबकि डी कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, यानी जिस प्रकार से सी ए का पड़ोसी नहीं था तो डी किसका नहीं है, डी जी का नहीं है, डी कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं है, इसका मतलब डी जी का पड़ोसी नहीं है तो डी के पास कौन नहीं बैठेगा, जी, डी के पास जी नहीं बैठेगा, क्रॉस मारो डी के पास जी भाई साहब आप यहां नहीं बैठेंगे, डी भाई साहब जी भाई साहब आप यहां नहीं बैठेंगे। बात यहां तक आ रही समझ में, और लास्ट पॉइंट कह रहा है एच डी और सी का पड़ोसी नहीं है, एच डी और सी का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब है एच ना तो डी के पास बैठेगा और एच ना ही सी के पास बैठेगा, एच ना तो डी के पास यहां आ सकता, एच ना तो डी के पास यहां आ सकता, और एच डी और सी दोनों का ही पड़ोसी नहीं है, ना डी के पास ना सी के पास, तो यहां सी के पास यहां भी एच नहीं आएगा और यहां भी एच नहीं आएगा, कोई दिक्कत यहां तक। बेटा सवाल तो खत्म हो चुका है, अब सवाल में कुछ है ही नहीं, दम ही नहीं है, इसकी पूरी ताकत हमने निकाल ली है। तुम कहोगे कैसे, अब एक चीज पर फोकस करो, इस सर्कल के अंदर कौन कौन सी वो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा आई हैं, सबसे ज्यादा बार आने वाला लेटर बताओ, एच चार बार आया है, यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी। तुम कहोगे भैया जी सबसे ज्यादा बार आने वाला लेटर ही आपने क्यों लिया, क्योंकि क्योंकि जो लेटर सबसे ज्यादा आया है सोचो सबसे ज्यादा मना भी तो उसी की हुई होगी। अब तुम एक चीज का दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एच यहां आ सकता है, एच यहां आ सकता है, या तो डी बैठा है, एच यहां आ सकता 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 है, एच केवल दो स्थान में से किसी एक स्थान पर आएगा, या तो यहां जहां मेरा पेन है और या फिर यहां, समझ रहे हैं। अब मानकर चलो मैं 1% तुमसे यह कहूं कि एच यहां पर है, तो एक चीज पढ़ी तुमने, इसने बोली पुलकित पीछे हो, एफ एच के बाएं दूसरे स्थान पर बैठता है, यानी अगर यहां एच आएगा तो एच के बाएं दूसरे स्थान पर एफ होना चाहिए, तो ये बताओ एच के बाएं दूसरे स्थान पर तो डी बैठा है, एफ के लिए जगह ही खाली नहीं है, आया ना भाई, दूसरे बाएं स्थान पर तो जगह ही खाली नहीं है, बाया क्यों चल रहा हूं, क्योंकि बिंदी की तरफ राइट होता है, बिंदी के विपरीत लेफ्ट होता है, तो एच यहां से भी खत्म हो गया, बोलो एच यहां से भी खत्म हो गया, और जब एच यहां से भी खत्म हो गया तो मेरे दोस्त एच यहां आएगा, और एच के दूसरे बाएं पर पहला बायां दूसरा बायां यहां कौन आएगा, एफ आएगा, पॉइंट क्लियर है।
अब यार एक चीज और देखी तुमने, इसने शुरू में एक बात बोली कि ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं, ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठेंगे, यानी ई और जी पड़ोसी हैं। मैं कह दूं ये प्रिंस और पुलकित हैं, ध्यान से देखो ये प्रिंस और पुलकित हैं। अगर मैं कहूं कि ये दोनों निकट बैठेंगे, पड़ोस में बैठेंगे, जैसे किसी ब्याह में दावत खाने के लिए गए, अब मैं कहूं भाई इन दोनों के ऐसे व्यवस्था करो कि ये दोनों एक साथ बैठने चाहिए, तो ये एक साथ कब बैठ सकते हैं? जब दो कुर्सी एक साथ खाली होंगी। एक साथ ऐसे बैठ जाओगे कि ये यहां बैठा है, मैं बीच में आ गया, अब बताओ ये एक साथ बैठे हैं? अब ये एक साथ कैसे बैठे? एक साथ बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि बीच में मेरी कुर्सी पड़ी है, मैंने इन दोनों का करका बिगाड़ दिया। ये एक साथ जब होंगे जब मुझे हटना पड़ेगा, और ये अब एक साथ होंगे। बात आ रही समझ में? तो अगर ई और जी हमेशा एक साथ बैठते हैं, तो ये बताओ ई और जी के लिए दो कुर्सी भी तो एक साथ खाली होनी चाहिए। और यहां पे ये जो कुर्सी है और ये जो कुर्सी है, ये तो अलग अलग है, ये तो बीच में एच बैठा है, तो ई और जी यहां तो आ ही नहीं सकते, एक साथ बैठना है इन्हें, तो कहां बैठ सकते हैं? सोचो, केवल यहां भाई, यही तो दो कुर्सी एक साथ खाली है, ई और जी यहां आएंगे। और सुनो, जी यहां नहीं आ सकता, जी यहां नहीं आ सकता, तो कहां आएगा? यहां। और ई कहां आएगा? ई को यहां लिखना पड़ेगा। जी यहां क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मना हो रही है। प्यारे बच्चे, ए बचा और बी बचा, ए यहां नहीं आ सकता, मना हो रही है क्रॉस करके, तो ए को यहां लिख दो और बी कहां आएगा? यहां। खत्म सवाल। अब इस सवाल से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछ सकता है, जैसे इसने पूछा है कि ए और डी के बीच कौन है, तो ए और डी के बीच एफ है, आंसर आ गया। आपसे पूछे एफ के सामने कौन है? सी। आपसे पूछे एफ और ई के बीच में कौन है? डी। आपसे पूछे डी और सी के बीच में, इधर को देखूं तो कितने आदमी है? दो। आपसे पूछे ए और डी के बीच में कौन है? एफ। एच और सी के बीच में कौन है? बी। कोई क्वेश्चन पूछे अगर डायग्राम सही है, तो क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है, आप गलत नहीं करोगे, ठीक है? एक सवाल पे और आ जाओ, ध्यान से देखना इसे, और बता रहा हूं। सवाल कर रहा है ए बी सी डी ई एफ जी केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं। प्यारे बच्चे, मैंने कहा सात व्यक्ति हैं इस बार, तो ये कितने हो गए? दो। ये कितने हो गए? चार। ये कितने हो गए? छह। और ये हो गए सात। केंद्र ये हो गया, ये इसका राइट हो गया, ये इसका राइट। पॉइंट छोड़ो बिंदु, 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 यही तो सिखाया है। पहला पॉइंट कह रहा है ई पड़ोसी है ए एवं डी का। बेटा इसने बोला ई पड़ोसी है ए एवं डी का, मैंने कहा दाएं बाएं के अलावा स्टार्ट ही नहीं करना, छोड़ दो। जी बीच में नहीं है, एफ और सी के दाएं बाएं आया? नहीं आया, हटाओ अलग। ए के एकदम दाएं एफ है, ए के एकदम दाएं एफ है। अगर ये ए है तो ए के एकदम दाएं यानी इधर कौन है बेटा? एफ है। सवाल करें एफ के दाएं दूसरे स्थान पर सी है, एफ के दाएं दूसरे पर कौन है? तो एफ के दाएं पहला और दूसरा कौन आया? सी। क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि ई पड़ोसी है ए एवं डी का, इसका मतलब है ई बीच में बैठा है ए एवं डी के, ई बीच में बैठा है ए एवं डी के, तो इसका मतलब ई को इधर बिठाऊंगा और ई यहां आएगा, तो ई बीच में बैठा ए और डी के। मेरे दोस्त क्वेश्चन कह रहा है जी बीच में नहीं है एफ और सी के, यानी एफ ये है सी ये है, इन दोनों के बीच में जी नहीं है। इसने बोला जी बीच में नहीं है एफ और सी के, तो सोचो एफ और सी के बीच में यहां जी नहीं आ सकता, तो जी कहां आएगा? ऊपर। तो यहां कौन आ जाएगा? जी। और मेरे सिर बच कौन गया? बी। उसे यहां बिठाओ क्योंकि कुर्सी भी तो एक ही बची है। कुछ भी पूछ ले कि ई और एफ के बीच में कौन है? ए है। ए के दाएं कौन है? एफ है। बी के दाएं कौन है? सी है। जी के बाएं कौन है? सी है। बेटा डी के दाएं कौन है? ई है। कोई क्वेश्चन पूछे आप आराम से कर सकते हो, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा होगा। प्यारे बच्चे इस पर थोड़ा वर्क जरूर करना, और मैं आपको फिर से बता देता हूं कि ये जो योग्य सीरीज है, इस सीरीज का सबसे बड़ा उद्देश्य ही यही है कि आप 15 मिनट की वीडियो में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सको। बच्चों आपको क्लास कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में इस बात को जरूर बताना, उससे कुछ खास नहीं होता लेकिन अगली क्लास लाने के लिए हमें लगता है यार सभी प्यारे बहन भाई इस क्लास को प्यार कर रहे हैं। देखो जो बात है वो बात है, मैं तुमसे कहूं भैया ये वो हो सकता है तुमको लगे, लेकिन वास्तविकता बताऊं हर आदमी ये चाहता है कि अगर वो किसी के लिए मेहनत कर रहा है तो उस क्लास को कोई देखे भी। बेटा पर मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि तुम शेयर वगैरह करने में टाइम बिगाड़ो, तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, ना तुम्हें शेयर करना
करने से मतलब, ना तुम्हें लाइक से कुछ नहीं, बस कमेंट इस वजह से कहता हूं क्योंकि यह भी बताया करो कि अब तुम्हें कौन से टॉपिक की किस टाइप की वीडियो चाहिए, जिससे कि हमें यह पता चलता चला जाए। पुलकित लिख लेता है, प्रिंस लिख लेता है, जो भी आप लोगों की डिमांड होती है, ठीक है ना प्यारे बच्चे। एक बात ध्यान रखना, टूटेंगी तलवारें टकरा कर तुमसे, हो जाएंगे दुश्मन के तरकस खाली, और मैदान जंग में बेखौफ लड़ना तुम, क्योंकि समय से पहले मौत नहीं आने वाली, मौत नहीं आने वाली। आप मेहनत करो, आपको सफलता भी मिलेगी। रही बात आपके आज के होमवर्क की, तो प्यारे बच्चे होमवर्क में एक क्वेश्चन देके जा रहा हूं। इस क्वेश्चन का आंसर सभी प्यारे बच्चे बताएंगे, दिखा दो भाई स्क्रीनशॉट ले लो मेरे दोस्त, सभी प्यारे बच्चे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। कमेंट सेक्शन में इंतजार करेंगे आप सभी के आंसर का, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करोगे, मैं सच बता रहा हूं, हो सकता है आपकी नजर में ये चीज हो कि हम बढ़िया पढ़ाते हैं या बेकार पढ़ाते हैं, लेकिन भैया कोई भी चीज जब मजबूत होती है जब हम उसे खुद से प्रैक्टिस करते हैं, आदमी खुद से प्रैक्टिस करके परफेक्ट होता है। तो प्यारे बच्चे मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, और मुझे विश्वास है आप मेहनत करेंगे। जय हिंद जय भारत।